नमस्कार दोस्तों, इंडियन हेल्प 19 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नया अपडेट आया है एमएस 100 मंथ डिवाइस का, ठीक है। इसमें सारे डाउट आपके जो हैं क्लियर होंगे, और नया विंडोज 7 में भी चलेगा, विंडोज 8 में भी चलेगा, और विंडोज 10 में भी चलेगा, ठीक है। क्या ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा बीसी पॉइंट में भी हम काम करेंगे तो बराबर काम करेगा हमारा। 2022 का नया अपडेट है 1.04 वर्जन, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसकी पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले चले जाना है, हमारे कंट्रोल पैनल में जाएंगे हम। डिवाइस जैसे काम नहीं कर रहा है, पहले जो ऑप्शन होते हैं फर्स्ट में आप जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें हमारा ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा एक ड्राइवर है, आरडी सर्विस का एक ड्राइवर है, उसका वर्जन देख लीजिएगा आप। ये वर्जन होगा तो बढ़िया काम करेगा, अच्छा काम करेगा, और मतलब अपडेट है ये, है ना, 1.0.4, ठीक है, ये वर्जन होना चाहिए। और बाकी ड्राइवर तो ये चल जाएगा 9.0, ये दोनों वर्जन अपने अपने पास होना चाहिए अवेलेबल, ठीक है। ये दोनों वर्जन जब अपने पास अवेलेबल होंगे और इंस्टॉल होंगे, 1. आरडी सर्विस का है 1.0, 1.4, 1.0.4, है ना, और 9.5 और 1.0, ये हमारे ड्राइवरों के और इंस्टॉलेशन का सेटअप है। जैसे मान लो ये भी नए आपके पास नहीं रहता है और आपका डिवाइस प्रॉब्लम करता है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे मंत्रा सॉफ्टटेक, यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे हम सर्च करेंगे हमारे सिस्टम पे, तो हमारे पास ये खुल के ये साइट आ जाएगा, मंत्रा का ऑफिशियल साइट है ये। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हमारा साइट ओपन होगा। MFS 100, ठीक है, ये हमारा डिवाइस रहेगा, इसे हम गूगल पे सर्च करेंगे। तो ये लिंक जो है आप देख लीजिएगा, और बाकी मैं हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके इस पर जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स एंड सॉफ्टटेक, यहाँ पे हमें ये कैप्चा फिल करना होगी। ये कैप्चा फिल करना है, ठीक है दोस्तों। कैप्चा फिल करने के बाद में हम सबमिट करेंगे फॉर्म को। सबमिट करने के बाद में इसमें सारे वर्जन दिए गए हैं। अभी ये तो अपना मंत्रा का ड्राइवर सेटअप है, ठीक है, इसको हमें डाउनलोड करना रहेगी। इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और ये हमारा नया अपडेट जो है वो है ये 1.4.4, ठीक है, ये हमारा ड्राइवर है। तो हमें सभी को डाउनलोड नहीं करना है, ये उसका मैनुअल रह जाए, यूजर मैनुअल रह जाएगा, और ये उसका ड्राइवर है नए वर्जन का, है ना। ये हमारे विंडो 10 में चलेगा, 7 में चलेगा, विंडो 10 7 सारी विंडो पर ये काम करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से सिंपली यहाँ डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास तो है अवेलेबल, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे आपको ज़रूरत हो, आपके पास नहीं हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे ये आपने ड्राइवर ये इंस्टॉल कर दिए, इसमें एक आरडी सर्विस का ये कर दिया इंस्टॉल, ठीक है दोस्तों, और एक ये ड्राइवर इसका कर दिया। ये दोनों चीज़ इंस्टॉल हो जाने के बाद में फिर हमें चले जाना है बैक, हमारे सर्च बार में लिखेंगे हम SER इस सर्विस को हमें जो है ओपन करना रहेगी। ओपन कर लेंगे हम इसे,
ओपन जैसे ही हम करते हैं उसको, तो यहाँ पे हम एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करने के बाद में इसको सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने के बाद में हमारा जो भी यहाँ पे जो वो आएगा एरर, वो हमें शो करेगा। यहाँ पे अगर लिखा हुआ आ गया आएगा, अभी देखिएगा एक मैसेज शो करेगा। अभी वो मैसेज हमारे ऑलरेडी लिखा हुआ आना चाहिए। ये अटैच हो गया है और ये रेडी का आ गया ऑप्शन। ये रेडी हमारा ये है, होना चाहिए। रेडी आएगा तो हमारा पूरी मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट हो या कोई दूसरी भी साइट हो तो उस पर हम अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमें ओपन क्रोम पे अगर चलाना है, क्रोम पे कोई साइट पे अगर खोलना, कोई भी प्राइवेट आईडी हम खोलते हैं और उस पर फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं, तो हमें करना क्या रहेगी, क्रोम लिखेंगे, यूआरएल आप देख लीजिएगा, ये यूआर रहेगा, ये हम यहाँ पे डाल के ऐसे सर्च करेंगे तो सर्च बार में हमें डालना होगी लोकल होस्ट। लोकल होस्ट हम डालेंगे। इसको हम जो डिसेबल है अभी, हम इसको अनेबल कर देंगे तो हमारा जो है उसमें डिवाइस चलना काम कर क्रोम पे आईडी चलना चालू हो जाएगा। कोई भी आईडी चलाएंगे हम क्रोम पे खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है यहाँ से अलाउ हो चुका है। अभी डिसेबल था तो इसमें हमारा काम नहीं कर पा रहा था। अब ये हमारा क्रोम पे भी चलेगा। और अगर जैसे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट में चलाना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा साइट के लिए हम यहाँ से आइकॉन छोटे करेंगे, इंटरनेट सेटिंग पे जाएंगे हमारे, इंटरनेट सेटिंग पे गए हम, इस पर क्लिक करा। इंटरनेट सेटिंग खुलने के बाद में हम चले जाएंगे सीधे सिक्योरिटी में जाएंगे और ये यहाँ सिक्योरिटी में जाएंगे। सिक्योरिटी में जाने के बाद में यहाँ हम क्लिक करेंगे और यहाँ साइट पे क्लिक करेंगे। साइट पे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा का ये यूआरएल हमें डालना रहेगी। ठीक है, डाल के हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में कस्टमाइज जो लेवल है, ठीक है दोस्तों, कस्टमाइज जो लेवल है उस पर एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करने के बाद में मंथ डे वाइज अगर आपको चलाना है तो इसको यहाँ के इसको जाके आप देख लीजिएगा ये, और यहाँ पे इसको अनेबल कर देंगे। अनेबल करने से आपका डिवाइस अच्छा काम करेगा और किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना सेटअप तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।